में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं या तो स्कूल में या कॉलेज में या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या जॉब कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जहां से डेटा निकल करके आया है, और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%, दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है। कड़वा सच ये है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं, गारंटीड फेल होने वाले हैं। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता, वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे? ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? और बताऊं किस तरह से फेल होंगे। आप में से जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। मतलब कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया। बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए, अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूँ या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो, मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग, जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी, वो सारी ले आकर के उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं, अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिज़नेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने बिज़नेस करना कहाँ से सीखा। जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं? नहीं आती थी तो क्यों कूदा? तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा, कहीं छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की? सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है, क्या मतलब है? कहीं से समझा? किसी ने आपको गाइड किया? कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया? किसके साथ डिस्कस किया भाई? किससे सीखा ये तो बता दे, कहां से सीखा, कैसे सीखा? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, दे डोंट हैव एनी क्लू, बिलीव मी। बार बार वो घूम फिर के आ जाते हैं, यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैंने कहा बता भाई सीखा कहां से? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो, आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको यह नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है,
आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कॉम्पिटिशन में बैठ गए एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर्स, हवा में से आएंगे, 1,00,000 प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। अरे 1,00,000 छोड़, तू एक बता कैसे बिकेगा, बता। मुझे एक बड़ा मजेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले। हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहां मेरा एक कजिन मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिजनेस में लॉसेस हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिजनेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे, मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का घर क्यों, मैं हाँ बोलता रहा तो अपनी पूरी बड़ास निकाल ले, भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने खत्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही, कहीं से सीखा होगा। तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने तो कहता मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है। मैंने कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज, 11th class में पढ़ी है, कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पर रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक याद नहीं है। तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो, उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है, लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें 3 simple steps है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सिंपल, जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है इससे बिल्कुल अलग है, कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो बन गया LIS, जो एंड में आ रहा है ENT उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। सिंपल, ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो, क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा। सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया, कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया,
किस चीज को ऑब्जर्व किया, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया कि वो क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में, फर्क होता है, यस और नो? उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें आपको क्या करना है, जा करके उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है, आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें हजार बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने दो बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। तो क्या किया आपने, आपने प्रैक्टिस किया, मतलब कि जो भी आपने सीखा जो भी आपने समझा उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस, और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग।